तो कहानी शुरू होती है एक न्यूज चैनल से जो अपेरेंटली न्यूज दिखाने का काम कर रहा है। कसम से। हाँ। 2003 है ना, उस टाइम पे न्यूज दिखाते थे, चैं 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 नहीं करते थे। ड्रग दो। अबे चुप। तो यहाँ होने वाला है एक इंटरव्यू आर्मी जनरल कबीर पक्षी का। हेलो देयर। जो प्रोजेक्ट मिलाप के बारे में बात करने आया है, जिसमें भटके हुए बॉर्डर क्रॉस पाकिस्तानी लोगों को घर वापसी होगी, और इन सब के सिक्योरिटी का इंचार्ज है ब्रिगेडियर नसीरुद्दीन शाह, जो बोलता है जनरल ये जगह सबसे सेफ है और अब तो ये मेरे अंडर में है, यहाँ कुछ गलत नहीं हो सकता, यहाँ कोई भी टेररिस्ट नहीं आ सकता। Just then. इतनी गंदी सिक्योरिटी, गेम ऑफ थ्रोन्स की सिक्योरिटी वाले हैं क्या बे? इससे अच्छा तो हैंडल को खड़ा कर देते। Anyway, जनरल बख्शी, कबीर पक्षी, ये धरती मेरी माँ है, प्रोजेक्ट मिलाप कैंसिल कर क्योंकि मैंने कहा है, और मुझे क्याओस पसंद है पर पाकिस्तानी नहीं, और तो और तेरी बेटी का एड्रेस है मेरे पास, आई मारे जाओगे एक दिन। बट सिंस ये सारी सिक्योरिटी सस्ती थी और शाहरुख खान की फीस महंगी, तो SRK AKA राम वहाँ ईथन हंट बन के पहुँच जाता है और सबको टोटल ओवरडोज की तरह उड़ा उड़ा के मार के भगा देता है। That's just lazy writing. बट इसी बीच नसीरुद्दीन शाह को लग गई दिल पे गोली और इनके कुर्ते से निकली खून की होली, और तो और इसका बेटा है अपना मेजर राम, तो गोली ऐसी लगी कि मुंह से जान की जगह निकला कन्फेशन। हे राम, बेटा मैं एक बहुत बड़ा चमड़ी था, शादीशुदा होते हुए भी घर के बाहर चमड़ी गिरी करता था, तो 10 साल तक मेरी एक्स ने बताया नहीं था तेरे बारे में, पर मरने के बाद तुझे भेज दिया उसने किसी बहाने से, तो तू था मेरी चमड़ी गिरी का इकलौता प्रूफ, मेरी बीवी को भी पता चला और वो गई रूट, तो उससे पहले वो देती मुझे कूट, मेरे छोटे बेटे को लेके निकल गई वो, शी सो रूड, तो मेरी अस्थिया तुम दोनों स्टेप ब्रदर बहाना, ओके बाय। तुझसे नाराज नहीं जिंदगी, हैरान हूँ मैं। तो अब इसकी जिंदगी का एक ही मकसद है, फैमिली रियूनियन का एपिसोड बनाना है, और जनरल कबीर पक्षी का है बेटी की रक्षा करने का मोटिव, जिससे ये बात भी नहीं करता और ना वो करती है, बिकॉज ये सेक्सिस्ट है। वो मुझसे नफरत करती है, मुझे एक बेटा चाहिए था राम, आई वॉज रॉन्ग। तुम इंसान हो कि लिंग? एंड गेस व्हाट, कबीर पक्षी को सब पता है चमड़ी नसीरुद्दीन शाह के बारे में, एंड सरप्राइजिंगली इसका स्टेप ब्रदर और इसकी स्टेप डॉटर डॉटर अमृता राव एक ही कॉलेज में है। कोइंसिडेंस? आई थिंक नॉट। तो जा बेटा जा, उसकी सीक्रेट प्रोटेक्शन प्रोग्राम में लग जा और मूवी को लंबा खींच, ओके बाय। मीनवाइल वहाँ दार्जिलिंग के किसी महंगे कॉलेज में बच्चे माल के नशे में नाच रहे हैं, तरस गया मेरे को प्यारा, तरस गया। जहाँ अमृता राव और जैद खान भी आ जाते हैं। अच्छा ये भी है क्या इस मूवी में? सुबह शाम रात को दिन, ये सबको पता है। बट इसी कॉलेज में जैद खान AKA लकी 4 साल से फेल हो रहा है, और अमृता राव का इस पे है क्रश, बिकॉज ये चमड़ी बॉय जो हो रहा है, क्या बात है। इवन यंग राखी सावंत भी आ जाती है, ये कॉलेज एक जिंदा मीम है सच में। Agreed. तो इस कॉलेज में आता है राम एक अंडरकवर स्टूडेंट बनके, पर वेल ये ट्राई कर रहा है अमृता राव से दोस्ती करने का, बट लड़की इंटरेस्टेड नहीं है, और जैद खान AKA लकी शायद एक एजिस्ट है, इसे अपने से बड़े लोग पसंद नहीं है, तो राम से बिना बात के पंगे ले लेता है। अबे 4 बार फेल हुआ है ना तू, तो पढ़ाई कर लो थोड़ा। वो नहीं हो पाएगा। पर इसके कॉलेज के प्रिंसिपल को छोड़ के किसी को नहीं पता कि ये एक अंडरकवर एजेंट है, और अगर पता चल गया तो सारी लड़कियां इस पे पागल हो जाएंगी, इंक्लूडिंग यंग राखी सावंत। पर अब बहुत हो गया बॉर्डर, तो चलो लेट्स फाइंड माय ब्रदर, पर नहीं मिल रहा इसको लक्ष्मण नाम का अपना स्टेप ब्रदर, और ऊपर से बार बार कर रहा है ये अमृता राव को बॉर्डर, वो इससे कुछ 200 साल बड़ा है, ऑब्वियसली मना करेगी, उसको दोस्त चाहिए, बाप का प्यार नहीं। पर वहाँ अपना टेररिस्ट घनश्याम भी आ गया मुरली भैया के साथ दार्जिलिंग का माल फूकने। भाई मनाली का ट्राई कर कुछ भी। तो ये कॉलेज है फुल ऑफ जवान एंड गरम गरम खून, तो यहाँ लव ट्रायंगल तो होगा ही, तो अमृता मारती है लकी पे लाइन, लकी मारता है यंग राखी सावंत पे लाइन, और ये चोमू मारता है राखी सावंत पे लाइन, और इस पे कोई मारता है कि नहीं हमें नहीं पता। एक मिनट, फिर ये ट्रायंगल हुआ ही नहीं, डैम यू मैथ्स। Fuck you. तो ये लौंडा बोलता है बहुत हो गया तेरा, यंग राखी सावंत मेरी है, अब हम दोनों खेलेंगे कैच द फ्लैग, कॉलेज के रूफ पे भाग के जाना है, कॉलेज का फ्लैग लाना है, और जो फ्लैग लाया उसको यंग राखी सावंत देगी पप्पी, वो भी गीली गीली।
एंड वहाँ बाहर केओस हो रहा है तो पूरा कॉलेज है बाहर, क्योंकि कॉलेज में पढ़ाई छोड़ के सब होता है यार। तो अपना एसआर के रायबरेली लाइब्रेरी के उस जमाने के कंप्यूटर पे अपने स्टेप ब्रदर की आईडी कार्ड डाउनलोड कर रहा है और बाहर कैच द फ्लैग खेला जा रहा है। एंड कॉलेज के सिक्योरिटी गार्ड वाले भैया पता नहीं कहाँ गए हुए हैं। तो हो जाती है रेस शुरू और ये पीसी अभी तक फोटो लोड ही कर रहा है। वहाँ ये रूफ पे पहुँच गए फ्लैग लेने और कॉलेज के गार्ड भैया शायद अब चाय पीने में बिजी होंगे। एंड यहाँ पीसी में अभी तक फोटो लोड ही हो रही है। वहाँ ये कैच द फ्लैग के चक्कर में लकी की ऑलमोस्ट होने वाली है मौत। ए बचाओ, अरे बचाओ, अरे बचाओ, अरे वास्तव कि तभी कंप्यूटर में हुई फाइनली इमेज लोड। हे राम, ये लकी ही लक्ष्मण है? Yes. मेरा स्टेप ब्रो जो कभी भी गिर के मर सकता है। What the fuck? तो अब अपनी मिलिट्री वाली पावर दिखानी पड़ेगी। और वेल, अगर किसी ग्रुप का हिस्सा बनना है तो वेल उसमें से किसी को मौत के मुंह से वापस ले आओ और दोस्ती ही दोस्ती पाओ। गुड पॉलिसी। तो ये चार हैं अब जिगरी यार, खूब जमेगा रंग जब मिल बैठेंगे राम, लक्ष्मण, अमृता और ये आई डोंट नो किसका है ये ग्रैंडसन। पर अपना टेररिस्ट घनश्याम जो पहले मिलिट्री में था और पाकिस्तानियों से इतनी नफरत थी इसे कि बिना वेरीफाई किए पाकिस्तानी सिविलियंस को भून दिया, तो इसको आर्मी से लात मार के निकाल दिया। अच्छा, इसीलिए प्रोजेक्ट मिलाप बंद करवाना चाहता है ये। तो इसका प्लान है कि इस ग्रुप के नॉट सो इम्पोर्टेंट कैरेक्टर को मरवा देते हैं, इससे अटेंशन मिलेगी कबीर पक्षी की और उसे डराएंगे ये कहकर कि ये गोली तेरी बेटी को भी लग सकती थी। और वेल, प्रोजेक्ट मिलाप कैंसिल। क्या बोलते पंटर लोग? दैट इज अ ब्रिलियंट आईडिया। वहाँ कॉलेज में राम हार जाता है एक शर्त, क्योंकि कॉलेज में यही सब होता है यार। अरे पढ़ाई कर लो थोड़ा। और अब जो भी गेट से आएगा उसके लिए गाना गाना पड़ेगा तुझे। पर गेट से आती है सुपर हॉट सुष्मिता सेन, ओ डैम, और ये चमड़ी मैटर में ऐसा पड़ा कि YBP का अनरिलीज ट्रैक झूठे गाने लग पड़ा। लगे ना फिर क्यों झूठे तेरे वादे पुराने, वो तेरी बातें पुरानी आंखें नूरानी झूठी कहानी, वो जो तुम खुद ही झूठे तेरी बातें ही माने क्यों, हम मान चुके हैं जान चुके हैं झूठी कहानी वो। और ये गई चिड़ तो प्रिंसिपल के सामने भी जाके गा दिया। लगे ना फिर क्यों झूठे तेरे वादे पुराने, वो तेरी बातें पुरानी आंखें नूरानी झूठी कहानी। और ये गई और भी चिड़ तो इसने स्टाफ रूम में जाके भी गा दिया। लगे ना फिर क्यों झूठे तेरे वादे पुराने, वो तेरी बातें पुरानी आंखें नूरानी झूठी कहानी वो। और ये विल अब थोड़ा कम चिड़ी हुई है क्योंकि सबको ये गाना बहुत पसंद आया। वहाँ अगले दिन ये शोले देखने जाते हैं कि मुरली भैया वहाँ स्नाइपर विद 4x स्कोप से इस बच्चे को ठोकने जा रहे होते हैं। तो ये हो गया डिटेक्टेड। तो अपना राम इथन हंट बंद के रिक्शा से चेस करके एक गोली बरसा के मुरली भैया को अरेस्ट करके उसकी जम की कुटाई करके मारे जाओगे एक दिन। पर वेल, घनश्याम को पता चल गया कि मेजर राम कॉलेज में एक सीक्रेट एजेंट है और इससे है इसको डर। अबे यार, ये क्यों नहीं जाता मर? पर एक और काम करना है इसे, अपनी स्टेप मॉम से भी तो मिलना है। तो इसे पता चलता है कि स्टेप मॉम के घर है कमरा खाली, तो चलो किरण खेर के घर किरायेदार बनके उसके सामने संस्कारी बनके माँ की ममता ले लेते हैं और हाँ पर्सनल सवाल भी पूछ लेते हैं। माँ माँ माँ, आपके पास बंगला है, मोटर है, नालायक बेटा भी है, पर आपका पति कहाँ है? हम दोनों सेपरेटेड है, मैं नहीं भाव देती उस बेवफा 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 को। वहाँ अपनी बिचारी अमृता राव का चमड़ी मैटर फेल होते जा रहा है क्योंकि लक्की एक बड़ा चमड़ी है, उसको यंग राखी सावंत जैसी लड़की चाहिए। तो राम इज लाइक होल्ड माय सुष्मिता प्लीज, और हॉट सुष्मिता इसको दे देती है एक न्यू टचअप एंड ये बन गई देसी गर्ल। और वेल, हम इंडियंस को देसी लड़कियाँ ज्यादा पसंद है। कुछ भी ना बेटा ना, अगर ना बोला ना तो आई एम ऑलरेडी जजिंग यू। अब तो सच बोल दे भो। हाँ, तो सारा कॉलेज इसको अब नोटिस कर रहा है एंड लकी भी मुंह खोल के ला टपका रहा है, तो ही इज लाइक मुंह तो बंद करो अंकल। अरे पढ़ाई कर लो थोड़ा। वहाँ घनश्याम स्कूल के एक टीचर को पीट पाट के स्कूल में आ जाता है एज हिज रिप्लेसमेंट। Oh no. पर किसी को भी ये न्यू प्रोफेसर पसंद नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। इस साले को तो मैं पर्सनली मारूंगा। तो ये महंगा स्कूल मालूम पड़ता है, महंगा कॉलेज मालूम पड़ता है, तो यहाँ प्रॉम नाइट भी है। ओए, तुम्हारे कॉलेज में ऐसा होता है क्या? जहाँ अमृता राव डिस्पाइट ऑफ एवरीथिंग जाएगी लकी के साथ, बिकॉज चमड़ी मैटर है ना यार, और राम की उम्र की एक ही हॉट टीचर है। तो वेल, एसआर के अपने आइकॉनिक स्लाइड मार के करता है ट्राई सुपर हॉट सुष्मिता सेन को पटाने का। चलती क्या? एंड वेल, इट्स वर्किंग यार। पर
घनश्याम के हैं कुछ और प्लान्स, तो ये सब को डिस्ट्रैक्ट करके एक्स्ट्रा बॉडीगार्ड्स को करवा देता है एलिमिनेट, और सुष्मिता सेन को किडनैप, पर अपना एसआरके तो है ईथन हंट, तो पट से हेडशॉट और सुष्मिता शॉक। फिर घनश्याम जो किडनैप करके ले जा रहा था अमृता को, एंड इवन अमृता को नहीं पता कि ये किडनैप हो रही थी, पर एसआरके वहां आके बोलता है हेलो सर जी, यहां से सब मैं संभालता हूं, हां हां आप आगे से राइट ले लो हॉस्टल के लिए, ध्यान से चलाओ, दार्जिलिंग है ये, दिल्ली नहीं। एंड वहां है इसका बाप, और बाप बेटी का हो गया मिलन, पर राम का सीक्रेट सबके सामने एक्सपोज। हां हां घनश्याम को पहले से पता था, पर एक्टिंग करनी पड़ेगी ना। इंप्रेसिव, ये देश की सुरक्षा इतने काबिल हाथों में है। एक्टिंग है। एंड सिंस इतनी मार काट हो ही गई है, तो चोट भी लगी है, और सुष्मिता से सिंपैथी और भी तो मिली है। चलो फाइनली तो वो इसे बता देता है अपनी ओरिजिन की स्टोरी एंड बाप के चमड़ी मैटर के बारे में, अलोंग विद स्टेप मॉम एंड स्टेप ब्रदर के बारे में। तो अब सच बताने का टाइम आ गया है कि बूम, घनश्याम घर में पहले से पहुंच गया है और ओवर एक्टिंग करके बोल रहा है, अरे तू नसीरुद्दीन शाह का बेटा है ना जो आर्मी में था, मैंने सुना था उसके चमड़ी मैटर के बारे में, बेचारी उसकी बीवी, अगर मैं उसकी बीवी होती तो तुझे खींच के बजाती। ओ सॉरी भाभी जी, गलती से स्पॉइलर दे दिया, चलो बाय। वाह क्या एक्टिंग कर रहा है, क्या एक्टिंग कर रहा है। और ये दोनों गए इस पे भड़क कि ये तो वही नाजायज औलाद है ना, निकल जा यहाँ से, क्यों आया हमारी जिंदगी में वापस, निकल जा। पुर ऐसे क्या मिला ये करके, तो एसआरके अपने दो छोटे सूटकेस पैक करके बोलता है मैं तो अपने पिता की आखिरी इच्छा पूरी करने आया था, ये देखो आपका पति नसीरुद्दीन शाह, शाह का उल्टा ऐश इस मटके में। अब पहचानोगे भी कैसे, मटका है ना, पर मैं तो यहाँ फैमिली रियूनियन का एपिसोड शूट करने आया था, बट ये तो हो गया फ्लॉप, तो मैं चला बाय। और वेल इसका भांडा गया फूट, एंड पूरे कॉलेज का ये फॉर सम रीजन दुलारा बन चुका था, या फिर ये एक सीक्रेट एजेंट था इसलिए चिक्स डिग इट, आई डोंट नो। तो इसको मिलता है एक इमोशनल गुड बाय, पर इसके निकलते ही घनश्याम पूरे कॉलेज को किडनैप कर लेता है, उन्हें हॉस्टेज बना के बोलता है ए, ये धरती मेरी माँ है, मुझे कैओस पसंद है पर पाकिस्तानी नहीं, तो ये प्रोजेक्ट मिला कैंसिल कर दे, ओके बाय। तो इसे अब वापस जाना पड़ेगा, तो ये मुरली को जाके बोलता है राज जवान है और मैं हसीन। मुरली तुझे पता है उसका बेटा कश्मीर में मिलिटेंट्स की वजह से मारा गया था, और वो पाकिस्तान को ब्लेम करने लग गया और सनक गया। घनश्याम पर्सनल दुश्मनी निकाल रहा है, कोई धरती उसकी माँ नहीं है, बस तुम जैसे लोगों को मैनिपुलेट करने के लिए डायलॉग बाजी करता है वो, तो तू हमारी साइड आ जा। ठीक है। तो ये रेस्क्यू मिशन के लिए जाता है कि किरण खेरा के बोलती है जीते रहो फूलो फलो। पिटर राम मैंने ना माइंड चेंज कर लिया है, क्योंकि कॉलेज में लकी को भी पकड़ के रखा है, अब तू ही मेरी आखिरी उम्मीद है, तो जाके बचा ले मेरे बेटे को और सब रीयूनाइट हो जाएंगे पक्का। और कई साल से बुड्ढे की पेंशन का वेट कर रही थी, बस क्लेम कैसे लेना है वो जरा बता देना। ठीक है। तो ये जाता है कॉलेज और जाके करने लगता है घनश्याम को वर्बल अब्यूज, ड्रग दो ड्रग दो ड्रग दो। तो मुरली इसको देता है ठोक, पर ये तो ड्रामा था, बिकॉज राम को कॉलेज के अंदर जो घुसाना था ताकि ये सब आतंकवादियों को मार के सबको वहाँ से रेस्क्यू कर ले। और अब लास्ट में दो लीड कास्ट आमने सामने, तो चलो मुकाबला मुकाबला हो जाए। अच्छा हो गया, चलो अब रूफ से भागते हैं, क्योंकि इसका स्टेप ब्रो मिलिट्री हेलीकॉप्टर में बैठा हुआ है इसको बचाने के लिए। एक सेकंड, इसको हेलीकॉप्टर में किसने बिठाया? तो ये घनश्याम का ग्रेनेड का पिन खींच लेता है, जिसके अंदर न्यूक्लियर बॉम्ब जितनी पोटेंशियल थी। ओके, और वेल सब बच गए, स्टेप मदर एंड स्टेप ब्रदर यूनाइट हो गए, आंटी जी को पति की पेंशन का क्लेम भी मिल गया, और सब खुश और हैप्पी एंडिंग। तो साला होना ही था। तो इस कहानी से हमने क्या सीखा? अरे पढ़ाई कर लो थोड़ा, धरती मेरी माँ है, बोलने वाले घनश्याम बहुत मिलेंगे, क्योंकि आजकल जमाना थोड़ा खराब है, काफी बार पॉलिटिकल एजेंडाज में पर्सनल एजेंडाज छुपे होते हैं जो कि हमें कभी दिखते नहीं, क्योंकि हमें विश्वास होता है अपने लीडर पर। तो भाई साहब लीडर चाहे कोई भी हो, अगर कभी तुम्हें कुछ गलत होता दिखे तो आवाज उठाओ, और अगर कभी तुम्हारी आवाज दबाई जाती है तो मन छोटा मत करो, उल्टा ये समझो कि तुम्हारी छोटी सी आवाज को भी अगर दबाया जा रहा है तो इसका मतलब तुम सही बात कर रहे हो। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। लगे ना फिर क्यों झूठे तेरे वादे पुराने, वो तेरी बातें पुरानी आंखें नूरानी झूठी कहानी, वो जो तुम खुद ही झूठे तेरी बातें ही माने क्यों, हम मान चुके हैं जान चुके हैं झूठी कहानी वो। लगे ना फिर क्यों झूठे तेरे वादे पुराने, वो तेरी बातें पुरानी आंखें नूरानी झूठी कहानी, लगे ना फिर क्यों झूठे तेरे।